दोस्तों आज हम ग्रीसम के नियम के बारे में बात करेंगे, जो कि इकोनॉमी का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या होता है इसमें दोस्तों, कि जो किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, अगर अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है तो उस पर जो भी प्रॉब्लम होती है वो ग्रीसम के नियम अप्लाई हो जाता है उस पर। ग्रीसम के नियम में क्या होता है दोस्तों, कि जो भी एक जो हाई वैल्यू वाली करेंसी होती है वो एक लो वैल्यू वाली करेंसी के ऊपर ओवरलैप हो जाती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कि जो हाई वैल्यू वाली करेंसी होती है वो मार्केट में कम रह जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो लो वैल्यू वाली करेंसी वो ज़्यादा हो जाती है, उस पर हर चीज़ ज़्यादा, उस खरीदारी उसी के माध्यम से होती है। इसलिए क्या होता है, जैसे कि हाई वैल्यू वाली करेंसी होती है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है और फिर ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। तो उसका नुकसान ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वहाँ की, वो सप्लाई और डिमांड के मार्केट इक्विलिब्रियम को डिसबैलेंस कर देती है, जिसके कारण वो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जा सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।